कुछ दिन पहले आपने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया था, शिक्षकों की भर्ती का मामला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट का आदेश था कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जल्द से जल्द सूची जारी करें। अब यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, तो इस कानूनी दांवपेच में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 69,000 जो शिक्षक हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, ये मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में या थोड़ी देरी हो रही है इसमें, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? थोड़ी देर नहीं, देर तो पहले बहुत हो चुकी है, क्योंकि अब कई साल से लटक रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अपना दल का मत हमेशा स्पष्ट रहा। मैंने तो पहले दिन से इस विषय को शीर्ष स्तर तक उठाया, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर हमारे NDA गठबंधन के टॉप लीडरशिप के लेवल पे भी उठाया। मैं लगातार बताती रही कि इस मामले में जो आरक्षण के नियम है उसकी अवहेलना हुई है और इसे हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन संभव वो हो नहीं पाया। और ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ हमारी नहीं थी, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी भी यही ऑब्जर्वेशन थी। और अब 3-4 साल के बच्चों के संघर्ष के बाद हाईकोर्ट ने भी वही बात कही। तो ये तो स्पष्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और अब ऐसा भी लगता है कि अब उसमें समय लगेगा, जितना देर होगी समस्या उतनी बढ़ेगी। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार और कोई संभव विकल्प तलाश करे, उस पर विचार करे, और मुझे लगता है कि मंथन करेंगे, सोचेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा विकल्प जरूर निकलेगा जिससे किसी वर्ग में निराशा ना हो। लेकिन कोई समस्या बहुत ज़्यादा अगर खींचेगी तो उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम ज़रूर होते हैं, मन में निराशा आती है, आक्रोश आता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए अगर हम बैठकर सोचेंगे तो कोई ना कोई विकल्प ज़रूर निकलेगा और सरकार को निकालना चाहिए, क्योंकि अब इस मामले को और देर करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है।